नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नीरज ज्ञान में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा SIP कॉस्ट ऑफ डिलेइंग, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अगर आप डिले करते हैं तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है जिसके द्वारा आप सीधे मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं SIP कॉस्ट ऑफ डिलेइंग। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से या तो फिर कहीं भी इन्वेस्ट करने में अगर आप कुछ डिले करते हैं तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर एक कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि आप अगर कितना लेट करते हो तो आपको कितना नुकसान होता है। आप लेट इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसे बचाओगे लेकिन सामने आपको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर वही पैसे अगर आपने FD में इन्वेस्ट किए होते तो भी आपको कितना नुकसान होता। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 5000 की SIP। समझ लीजिए कि हमने 5000 की SIP 20 साल के लिए की है, इंटरेस्ट रिटर्न 15% है और हमने 6 महीने डिले करते हैं तो क्या होता है। अगर यही SIP अगर हम आज शुरू करते हैं तो हमें करीब 20 साल के बाद हमें मिलता है 66.5 लाख रुपए, यानी कि 66,35,000 रुपए तक हमें मिल सकते हैं। और अगर हमने 6 महीने डिले किया तो हमें मिलेगा 61,58,000, यानी कि करीब 61.5 लाख रुपए ही मिल पाएंगे। यहाँ पर हमको करीब 4.5 लाख रुपए का लॉस होता है। समझ लीजिए कि अगर सिर्फ 6 महीने लेट इन्वेस्टमेंट करने से आपको 4.5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपने सिर्फ 30,000 रुपये बचाए हैं 6 महीने डिले करके, लेकिन सामने आपको 4.5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर वही अगर आपने FD में इन्वेस्ट किया है तो 7% के हिसाब से वहाँ भी आपको 1,25,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में या तो फिर कोई भी किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में अगर आप कोई भी डिले करते हो तो आपके लिए बहुत ही नुकसानकारक हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ 6 महीना है, अगर आप 1 महीना भी पकड़ लो तो 1 महीना में भी कितना फर्क पड़ता है देख लीजिए। 1 महीने में भी आपको 81,000 रुपए का नुकसान होता है। आपने सिर्फ 5,000 रुपए बचाए हैं लेकिन उसके सामने आपको 20 साल के बाद 81,000 रुपए का नुकसान है। और अगर वही चीज FD में है तो भी आपको 21,000 रुपए का नुकसान है। वैसे ही अगर आप 2 महीने के लिए देखें तो आपको करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान है यहाँ पे 42,000 का। और अगर आपने 12 महीने यानी कि 1 साल पूरा लेट कर दिया है तो आपको करीब 9.25 लाख रुपए जितना नुकसान उठाना पड़ सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर। और FD में भी आपको करीब 2.25 लाख जितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर नुकसान उठाने से मेरा मतलब ये कि आपको इतना इंटरेस्ट मिल सकता था, आपकी वेल्थ इतनी एक्यूमुलेट यानी कि जनरेट हो सकती थी, लेकिन आपने जो डिले किया है उसकी वजह से अब वो पैसा आपका जमा नहीं हो पाएगा या तो फिर अब वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए तो आपको ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का जो फायदा है वो आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी SIP कॉस्ट ऑफ डिले, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा भी डिले करते हैं तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है या तो फिर आपको कितना लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।